सब्सक्राइब करें आदित्य मोटोराइड चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को जिससे आपको हमारे वीडियोस की न्यू अपडेट मिलती रहे। कैसे हो? तो आज मैं रिव्यू करूंगा TVS Jupiter Grande का। इसके बारे में बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं ऐसे ही बाइक से रिलेटेड और स्कूटी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं, तो मेरे नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दो जिससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आप सबसे पहले देख पाएँ। तो अब हमारे इस वीडियो को एंड तक देखें, हम आपको इसकी फुल डिटेल्स देते रहेंगे। और दोस्तों आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो करें, जैसे अगर आपको कुछ क्वेश्चन हैं तो आप वहाँ से मुझसे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो वहाँ आपको उसके जल्दी रिप्लाईमेंट्स मिल जाएंगे और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं इसके रियल लुक से, तो इसमें आपको LED टेल लाइट मिलती है जो आपको पुराने जुपिटर में भी देखने को मिलती थी। तो टेल लाइट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, मतलब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। लेकिन हाँ, इंडिकेटर्स के लुक्स और डिज़ाइन में बहुत चेंजेस किए हैं और इंडिकेटर्स में क्रोम की बहुत ही अच्छी तरह से फिनिशिंग दी गई है, जिससे जब भी आप लेफ्ट या राइट टर्न लेते हैं तो इंडिकेटर्स का ब्राइटनेस लेवल बढ़ जाता है और जो भी आपके फ्रंट में या बैक में राइड कर रहा होता है तो उसको आपके इंडिकेटर्स की ब्लिंकिंग बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई देती है और इससे एक्सीडेंट लेवल भी कम हो जाते हैं। और क्रीम कलर में आपको इसका बॉडी इंटीरियर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके इंजन टाइप के बारे में, तो इसमें आपको 109.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड OHC कार्बोरेटर इंजन आपको इसमें मिलेगा। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में, तो बहुत ही स्टाइलिश सा इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको यहाँ मिलता है जिसमें एनालॉग प्लस डिजिटल का ऑप्शन आपको मिलता है, जिसमें एनालॉग मीटर आपको यह बताता है कि आपकी स्कूटी किस स्पीड पर राइड कर रही है और बेसिक से इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ मिले जाते हैं। लाइफ राइट इंडिकेटर्स और इको और पावर कॉफी ऑप्शन आपको इसमें मिलता है। इकोनॉमी बताता है कि आपकी स्कूटी अच्छा माइलेज देगी और अगर आप इसको डेली पावर पर यूज़ करोगे तो आपको आपकी स्कूटी कम माइलेज देगी। और अब बात करते हैं डिजिटल मीटर के बारे में, तो इसमें आपको साइड स्टैंड का भी ऑप्शन मिलता है, वियर योर हेलमेट की भी इसमें आपको सेफ्टी का ऑप्शन मिलता है, सर्विस रिमाइंडर, क्लॉक, ट्रिप मीटर, अगर आपका फ्यूल लो है वो भी इसमें आपको बता देता है। और यहाँ बात करें इसके स्विचेस की बिल्ड क्वालिटी के, स्विचेस की जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। पास का स्विच, लेफ्ट राइट इंडिकेटर स्विच, हॉर्न का स्विच, बेसिक से स्विच आपको यहाँ देखने को मिलते हैं और यहाँ आपको सेल्फ स्टार्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ आपको किक भी मिल जाती है। तो ये है इसके बेसिक से स्विचेस की क्वालिटी और ये है इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल। और देख सकते हैं आपको यहाँ सेम जगह पे आपको इसका चौक देखने को मिलता है, जो आपको दूसरी स्कूटीज में भी इसी पोजीशन पे आपको इसका चौक देखने को मिलता है। और यहाँ आपको कैरी बैग के लिए एक छोटा सा हुक दिया जाता है जिसमें आप सिर्फ 3 किलो तक का ही वेट इसमें आप कैरी कर सकते हैं और अगर आप उससे ज़्यादा वेट का कैरी करोगे तो शायद ये टूट सकता है। और सफिशिएंट स्पेस आपको प्रोवाइड की जाती है राइडर फुट रेस्ट के पास, जहां आप अपने वेजिटेबल बैग और हैवी मटेरियल को लोड कर सकते हैं। और अब आते हैं इसकी सीट पर, तो मेहरून कलर में आपको इसकी सीट देखने को मिलेगी जो लुक में बहुत अट्रैक्टिव दिखती है। और जो पिलियन सीट है और जो राइडर सीट है दोनों बहुत ही कम्फर्टेबल है और आप लॉन्ग रूट तक भी इसको कम्फर्टेबल राइड कर सकते हैं। और जैसा कि आप इसका एक साइड लुक देखें, इसका जो पेंट जॉब है वो बहुत शाइनी है और एक मिरर लुक आपको इसका पेंट जॉब देता है। और यहाँ करते हैं इसकी डिक्की ओपन और देखते हैं कि आपको कितनी स्टोरेज मिलेगी, तो इसमें आपको 17 लीटर्स की स्टोरेज कैपेसिटी मिलेगी जो कि मेरे हिसाब से कम है, जबकि आपको TVS की एंटॉग 125 में 22 लीटर्स की स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है जो कि सफिशियंट है। और आपको यहाँ चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाता है जो आपको अलग से लगवाना पड़ेगा, आपको कंपनी से इनबिल्ट नहीं मिलेगा। और अब ओपन करते हैं इसके फ्यूल लिड को, तो फ्यूल लिड की पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं है और इसमें आपको 5 लीटर्स की फ्यूल कैपेसिटी मिलती है। अब बात करेंगे इसके फ्रंट लुक के बारे में, फ्रंट में आपको LED हेडलैम्प मिलेंगे जो नाइट में आपकी स्कूटी को एक अट्रैक्टिव लुक देते हैं।
फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया जाएगा और जो आपको टायर साइज मिलेगा वो 90x90 मिलेगा और आपको जो व्हील साइज मिलेगा वो आपको 12 इंचेस का मिलेगा। और रेयर में आपको गैस चार्ज्ड मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा जिसको आप अपनी मर्जी से एडजस्ट भी कर सकते हो। और आपको जो टायर साइज मिलेगा वो 90x90 का मिलेगा और आपको जो व्हील साइज मिलेगा वो 12 इंचेस का मिलेगा और आपको दोनों में ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। और दोस्तों इसमें आपको 7.99 PS एट 7500 RPM का पावर और 8 न्यूटन मीटर एट 5500 RPM के इसमें आपको टॉर्क मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए हमारे वीडियो में इसके लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करो, उसको शेयर करो, कमेंट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए थैंक्स।